तीसरा नजारा है दिल्ली के सकरपुर का, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बाइक खड़े करने के बाद अपनी पहचान छुपाने के लिए दो अजनबी हेलमेट पहने हुए हैं और उन्होंने अपने बैग में से कुछ निकाला। उन्होंने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और एक महिला से पानी मांगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लू शर्ट में एक व्यक्ति पानी मांगने के बहाने महिला को आगे बुलाता है और महिला उसके बोतल में पानी डाल रही है। पानी लेने के दरमियान दोनों की नजर बिल्कुल उनके घर पर थी। आप देख सकते हैं कि पानी लेने के बाद उन्होंने बोतल बंद की और अपने बैग में उसे रख लिया और यहां वहां देख रहे हैं। और जब वो निश्चिंत हो गए कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है तो एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और ब्लू शर्ट वाले ने महिला के घर के ऊपर प्रवेश करना शुरू किया। ये क्या हुआ? आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस महिला के बच्ची को उठाकर उसने भागने का प्रयास किया। महिला ने अपनी हिम्मत दिखानी, यहां पर महिला की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, किस तरह से महिला ने उसे धर दबोचा। और अब आप देख सकते हैं कि बाइक को भी उसने रोक रखा है और चिल्ला रही है। बच्ची दूसरी तरफ रो रही है, लेकिन महिला ने, आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने अब उसको दौड़ाना शुरू किया और अब काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं और आगे चल करके उसे किस तरह से पकड़ा जा रहा है हम आपको बताते हैं। ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से एक व्यक्ति ने देखा कि मतलब कि मौके की नजाकत को, तो उसने अपनी एक्टिवा को आगे लगा दिया और इस तरह से आरोपी भागने में नाकामयाब रहे, इसलिए उन्हें उनको धक्का दे दिया। इस तरह से जो लोग यहां पर जुट गए हैं, आप देख रहे हैं यहां पर हाथापाई हो रही है और वो आरोपी बचकर भागने में सफल हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, ये आरोपी भागने में यहां पर सफल हुए हैं, लेकिन आगे इनको धर दबोचा गया है। और ये जो आप स्क्रीन पर नजारा देख रहे हैं, ये है सकरपुर पुलिस स्टेशन, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन दो आरोपियों को पकड़कर पुलिस इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके मामले की छानबीन कर रही है। इन्होंने इस तरह से कितनी घटनाओं को यहां पर अंजाम दिया है, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस कहानी में, इस न्यूज में दो चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। एक तो दाद देनी पड़ेगी उस महिला का जिसने हिम्मत दिखाकर इन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, और दूसरा वे जो इस मामले में पूरी तरह से निर्भीक होकर इन आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसमें एक मामला तो बिल्कुल सामने आता है कि आप बिल्कुल अजनबियों से इतनी दोस्ती मत बढ़ाइए और उनके तरफ पूरी नजर रखिए। जब आप किसी भी प्रकार की उनकी मदद कर रहे हैं तो छोटे बच्चे वहां न हो। और एक चिंता की विषय इसमें और सामने आ रहा है कि दिल्ली सरकार को इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हौसले इनके कितने बुलंद है, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट।